मैं शिवानी बिहारी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सुपारी के बारे में। समूचे भारत में सुपारी का इस्तेमाल मुख्य दो रूपों में किया जाता है, एक पूजन सामग्री के तौर पर तो दूसरा तंबाकू उत्पाद यानी कि पान मसाला या पान के साथ। लेकिन आपको बता दूं कि सुपारी केवल इन्हीं दोनों कामों के लिए उपयोग नहीं की जाती, बल्कि इसे औषधि के रूप में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। आयुर्वेद में कई रोगों के उपचार के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। सुपारी का उपयोग एनीमिया, पाचन, कब्ज, दांत से संबंधित विकार और दर्द से राहत दिलाने में भी सहायक माना जाता है। सुपारी के फायदे तो जानेंगे ही, उससे पहले ये जानना दिलचस्प होगा कि सुपारी आखिर होता क्या है। सुपारी एरिकेसी कुल से संबंधित एक पेड़ पर लगने वाला फल है। अंग्रेजी में इसे बिटल नट के नाम से जाना जाता है। इसका पौधा नारियल के पेड़ के समान ऊंचा, तने पर छल्लेदार उभार और पत्ते चौड़े होते हैं। यह दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के अनेक भागों में पैदा होता है। सुपारी की तासीर गर्म और अम्लीय होती है, इसलिए औषधि के रूप में इसे सीमित मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। सुपारी खाने के फायदे की बात करें तो इसका उपयोग स्ट्रोक के खतरे को कम करने में सहायक साबित होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक लाल सुपारी की पत्तियों में फ्लेवोनॉइड, एल्कलॉइड, टैरपिनोइड, टैनिन, साइनोजेनिक, ग्लूकोसाइड, आइसोप्रेनोइड, एमिनो एसिड और यूजिनॉल जैसे तत्व पाए जाते हैं। यह सभी तत्व संयुक्त रूप से स्ट्रोक यानी मानसिक और हृदय से संबंधित खतरे को कम करने में लाभकारी होता है। स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक विकार है, इस बीमारी में भी सुपारी काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है। दरअसल सुपारी में कई प्रकार के प्रभावी फ्लेवोनॉइड पाए जाते हैं, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव मौजूद होते हैं। इस कारण सुपारी कई मानसिक और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारियां को ठीक करने में या फिर कह सकते हैं छुटकारा दिलाने में कारगर साबित होगा। हालांकि अत्यधिक मात्रा में सुपारी चबाने से दांतों और मुंह से संबंधित कई नुकसान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में इसका उपयोग किया जाए तो यह दांतों पर जमने वाली कैविटी को दूर करने में मददगार साबित होता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि सुपारी चबाने से मुंह में अत्यधिक लार का निर्माण होता है, ऐसे में सूखे मुंह की समस्या में सुपारी का उपयोग लार को बनाने में मदद कर सकता है। अगर आप भी सूखे मुंह की समस्या से परेशान हैं तो सुपारी चबाना आपके लिए लाभकारी साबित होगा। होठों के छाले ठीक करने के लिए लाल सुपारी का उपयोग किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि लाल सुपारी के पौधे में कई गंभीर समस्याओं को दूर करने वाले गुण पाए जाते हैं, जो मुंह के छालों की समस्या को ठीक करने में सहायक साबित हो सकता है। एनीमिया से संबंधित खतरों को कम करने में भी सुपारी का उपयोग लाभदायक साबित हो सकता है, लेकिन इसके ज़्यादा उपयोग से आपको कई तरह के अन्य जोखिमों का भी सामना करना पड़ सकता है। इस कारण जरूरी है कि इसके उपयोग से पहले आप एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सुपारी का उपयोग मुंह में लार बनाने की प्रक्रिया को बढ़ाता है, जो पाचन प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा होता है, और वहीं यह पाचक रसों की बढ़ोतरी में भी मदद करता है, जिससे यह प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है। साथ ही कब्ज की समस्या से छुटकारा दिलाने में भी इसे फायदेमंद माना गया है। सुपारी के फायदे में से एक यह है कि इसका सेवन मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने में भी सहायक माना जाता है। दरअसल इसमें कई ऐसे एल्कलॉइड मौजूद होते हैं जिनमें एंटी मस्कैरनिक यानी तंत्रिका तंत्र में आने वाले अवरोध को हटाने का प्रभाव पाया जाता है, जो मांसपेशियों को नरम करता है और उन्हें मजबूती प्रदान करने का काम करता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि एंथेलमिंटिक प्रभाव यानी परजीवी को नष्ट करने वाले गुण के कारण सुपारी का सेवन दांतों पर जमने वाले कैविटी को खत्म करने में भी सहायक माना जाता है। दांतों में पीलापन का एक बड़ा कारण कैविटी भी हो सकती है। इस कारण यह कहा जा सकता है कि इसका उपयोग पीले दांतों की समस्या से राहत दिलाने में भी फायदेमंद हो सकता है। सुपारी खाने के नुकसान की बात करें तो इसका अत्यधिक सेवन कई दुष्प्रभाव को बढ़ावा देता है, लेकिन औषधि के रूप में इसे संतुलित मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन वहीं अगर आप औषधि के लिए कच्ची सुपारी को उपयोग में लाते हैं तो संतुलित मात्रा में भी इसके कुछ नुकसान हो सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और हम आशा करते हैं कि सुपारी से संबंधित हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी विषय पर हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमें आपके सवालों के जवाब देने में खुशी होगी। आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।